अपने सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाए करें। ये मैं किस पे आपत्ति, किस पे आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो, चलो बैठो। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के शुरुआती दो दिन तक नए सांसदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चला। शपथ ग्रहण समारोह भी बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि किसी ने क्षेत्रीय भाषा, किसी ने उर्दू तो किसी ने संस्कृत में शपथ ली। वहीं कांग्रेस नेता हाथ में संविधान की प्रति लेकर शपथ लेते हुए नजर आए। संसद की कार्यवाही के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान भी चर्चा में बने हुए हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। आइए आपको पहले सदन में क्या हुआ वो दिखाते हैं। जय हिंद, जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति, किस पे आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो, चलो बैठो। चलिए, दरअसल बीजेपी हरियाणा की ओर से एक वीडियो डालकर कैप्शन दिया गया है कि बदतमीजी करने पर दीपेंद्र हुड्डा को डांटा। वीडियो में देखा जा सकता है कि शशि थरूर राहुल गांधी से हाथ मिला रहे हैं और पीछे से दीपेंद्र हुड्डा ओम बिरला से कुछ कह रहे हैं। इस पर बिरला कहते हैं कि किस पर आपत्ति होनी चाहिए, किस पर नहीं, सलाह मत दिया करो, चलो बैठ जाओ। इसके बाद बीजेपी ने अपने वीडियो में उस हिस्से को दिखाया है जिसमें ओम बिरला कहते हैं, मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब स्पीकर खड़ा होता है तो माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ, वह बैठ जाए करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी के इस वीडियो पर हरियाणा कांग्रेस की ओर से जवाब देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है और साथ में कैप्शन दिया है, इस अहंकार ने आपको हाफ किया है, यही अहंकार आपको साफ कर देगा। संविधान की बात करना बदतमीजी नहीं, एक सांसद का कर्तव्य है। आधी अधूरी वीडियो डालकर मत बहकाओ। कांग्रेस के इस वीडियो में दिख रहा है कि शशि थरूर शपथ लेने के बाद जय संविधान बोलते हैं। इस पर ओम बिरला कहते हैं कि संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। इस पर दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, क्या आप देश की संसद में भी जय संविधान बोलना गलत हो गया है? देश की जनता फैसला करेगी कि संसद में जय संविधान बोलना गलत है या जय संविधान बोलने वाले को टोकना गलत है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।